कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में सारी फोर्सेस को डिवाइड कर दिया गया, मतलब दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं जब पढ़ेंगे एटलीस्ट प्लस वन प्लस टू में उतनी लगा लो, उनकी कैटेगराइजेशन कर दी गई। कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव की कैटेगरी में आ गई और कुछ नॉन कंजर्वेटिव। जैसे मेरे से अगर आप पूछो कि सर ये बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस कैटेगरी में है, मैं बोलूँगा नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स किस कैटेगरी में है, मैं बोलूँगा कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स किस कैटेगरी में है, मैं बोलूँगा कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस कैटेगरी में है, मैं बोलूँगा कंजर्वेटिव। आप सोच रहे हो कि ऐसे क्या मतलब रट्टे मारने पड़ेंगे, कंजर्वेटिव है क्या चीज़ ये तो बताओ, तभी तो कैटेगराइजेशन करेंगे। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक नई फोर्स नहीं है, कैटेगरी है फोर्सेस की। देखो होता क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यार ऐसे समझना मुझे पसंद नहीं है समझाना। नीचे जमीन पे ग्राउंड पे पार्किंग में पड़ा हुआ था एक पत्थर 1 किलो का। मैंने स्टूडेंट को कहा जब पत्थर उठा के यहाँ पे लिया तो उसने देखा बिल्डिंग यहाँ पे लेके जाना है, एक ईंट को या पत्थर को ले जाता हूँ कोई बात नहीं, सर ने बोला है थैले में डालता हूँ अपने बस्ते में डालता हूँ ऊपर ले आया। तो हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 40 मीटर। तो मैंने पूछा एक बात बता तू पत्थर नीचे से ऊपर लेके आया यार तूने कुछ काम तो किया ही है। उसने कहा हाँ काम किया, थक गया मैं ऊपर लाने में पत्थर। तो मैंने कहा बोल कितना वर्क डन किया, वो कहता मुझे नहीं पता वर्क डन कितना किया, मैं कैसे बताऊँ सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आया हूँ इधर से इधर आया हूँ, मेरे को ना कितना वर्क डन है। ठीक है, मैंने एक और स्टूडेंट को कहा चल तू एक काम कर तू लेके आ पत्थर। वो कहता देखो जी मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता, मैं प्लैंक लेके आता हूँ, बड़े बड़े प्लैंक्स फट्टे लेके आता हूँ और पूरा इंक्लाइन प्लेन बना दिया वो सड़क से लेके 40 मीटर ऊपर तक, कहते मैं ऐसे चढ़ के आऊँगा पहाड़ की तरह। लिया इस खिड़की से एंटर कर गया 40 मीटर, हाइट तो वही रहेगी ना 40 मीटर और ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो मैंने कहा तेरा वर्क डन कितना है, वो कहता मेरे को नहीं पता वर्क डन कितना है बस पत्थर ले आया हूँ मैं। ठीक है, अब तीसरा स्टूडेंट आया वो कुछ ऑटोमेटिक मशीन से उड़ने वाली मशीन ले आया, पीठ पे टांगी, वो आजकल अंग्रेज यूज़ करते हैं वो नीचे से पता नहीं क्या सेंटर लगा रखे होते हैं और वो बंदा ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो नीचे से उड़ता हुआ आया टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा खिड़की में एंटर कर गया, मैं तेरा वर्क डन कितना है, वो कहता मेरे को मुझे ना पत्थर ले आया वो पत्थर रख लो बस, वर्क डन किया जरूर है मैंने। ठीक हो गया, अब कोई सीधा लेके आ रहा है, कोई सीधा ले आया यहाँ से सीधा 40 मीटर ऊपर ले आया, कैसे ले मुझे नहीं पता 40 मीटर ऊपर पकड़ा दिया उसने, ये लो पड़े जा पत्थर आ गया। तो मैंने कहा तेरा वर्क डन कितना है, वो कहता मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं सीधा लेके आया हूँ 40 मीटर तो मेरा वर्क डन है mgh, पत्थर का मास इंटू जी इंटू एच। चलो ये तो बात आपको समझ में आती है, स्ट्रेट समझ में आता है mgh। आपको हैरानगी होगी जितने लोगों ने काम किया, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आंसर सेम है mgh, mg into 40। आपको यार कमाल है, कोई तो उड़ उड़ के पूरा पंचकूला घूम के आ रहा है हाँ तब भी उसका आंसर सेम है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जिस मर्जी रास्ते से ले आए, आया तो वहीं पर चला तो वहीं से था। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं जिस मर्जी रास्ते से, रास्ता मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन। तो अगर आपका वर्क डन उस फोर्स में सेम आता है जैसे इस चारों केसेस में सेम है तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके अंदर अगर हम वर्क डन करें टू कैरी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे और पाथ पे डिपेंड ना करे, उस फोर्स को क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव। अब कोई कहता समझ में आ गया, मैंने कहा आ गया, कहता हाँ, मैंने कहता देखो सर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्या एक ईंट यहां पड़ी थी मैं उसको उठाऊंगा नहीं स्लाइड करूंगा, स्लाइड घसीटता हुआ लेके जाऊंगा यहां से वहां वहां से यहां। तो मैंने कहा फिर वर्क डन, कहता वर्क डन होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, इस बार फोर्स कौन है, ग्रेविटी नहीं, उठाएगा तो ग्रेविटी है, उठा नहीं रहा घसीट रहा है स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो जा रहा है कुछ वर्क डन कर रहा है, वो आ रहा है फिर वर्क डन कर रहा है, तो टोटल वर्क डन जो भी उसका हुआ कैलकुलेट कर लिया, फिर वो लंबे रास्ते से लेके आ रहा है तो उसका वर्क डन अब ज्यादा होगा, छोटे रास्ते से वर्क डन कम है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर वर्क डन किया जाए तो वो पाथ पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था लेंथ पे डिपेंड करता है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं मैटर करती उसमें, उसमें लंबाई भी मैटर करती है। लंबे रास्ते से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बड़ा होगा, छोटे रास्ते से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन छोटा होगा। क्लियर है यहां तक? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड
करता है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो अगर किसी भी फोर्स या किसी भी फील्ड या फोर्स के अंदर अगर हम वर्क डन करें और वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं और पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वो कंजर्वेटिव है और अदरवाइज वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स का तो बता ही दिया मैंने आपको कंजर्वेटिव है, क्योंकि आप किसी भी रास्ते से ले आए पत्थर को ए पॉइंट से बी पॉइंट, आपका वर्क डन सेम रहेगा, इट इज कंजर्वेटिव। और अगर आप फ्रिक्शन की बात करते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि आप ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन को आपने स्टडी किया हुआ है, समझना ईजी है। स्प्रिंग की फोर्स कंजर्वेटिव आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स हमने की नहीं है, या कोई और एयर की रेजिस्टेंस हमने की नहीं है, पानी की रेजिस्टेंस हमने की नहीं है, तो उन फोर्सेस की बात नहीं करते हम, उन्हीं फोर्सेस की बात करते हैं जो हमने पढ़ी हुई है। तो दो ही फोर्स पढ़ी है हमने, ग्रेविटी की फोर्स और एक फ्रिक्शनल। तो एक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। एक फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। तो डेफिनेशन क्या है? अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल from one point to another is independent of path followed by the particle and depends only on end position. तो force का नाम क्या है? Conservative. Definition clear है? जैसे suppose करो मैं A point से B point तक एक object को लेके आया, ठीक है, मैं ले आया। तो जब मैं A point से B point तक object को लेके आया, मैं दो रास्तों से लेके गया, एक रास्ता वन एक रास्ता टू, पाथ वन पाथ टू। तो अगर ये फोर्स यहां पे कंजर्वेटिव है, मान लो अगेंस्ट ग्रेविटी में काम कर रहा हूं, तो चाहे मैं रास्ता वन यूज करूं चाहे मैं रास्ता टू यूज करूं, वर्क डन दोनों में एग्जैक्टली क्या आएगा? सेम, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फोर्स क्या कहलाएगी इसमें? कंजर्वेटिव। कोई डाउट इसमें? राइट। तो अगर यहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस में या इसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है जो कि बॉडी को वन पॉइंट से टू पॉइंट तक लेके जा रही है, और अगर ये कंजर्वेटिव वर्ड आ गया, पाथ मैटर नहीं करेगा। क्या मैटर करेगा? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अच्छा ये बताओ, कंजर्वेटिव के अंदर पाथ मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर करती है। तो एक स्टूडेंट कहता है, देखो जी मैं एक ऑब्जेक्ट को लेके चलता हूं, मैं ऊपर लेके गया फिर मैं वहीं ले आया जहां से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने कहा तेरी इनिशियल फाइनल पोजीशन तो एग्जैक्टली सेम है, तो तूने कोई काम नहीं किया, सही है? क्योंकि काम तो तब कहलाएगा जब तेरी दो अलग अलग पोजीशन होंगी, तेरी तो पोजीशन ही वही है, तू गया मुझे नहीं पता तू कहाँ गया, मेरे को क्यों बता रहा है? क्योंकि पाथ मेरे लिए मैटर करता ही नहीं, मेरे लिए तो पोजीशन मैटर करती है। तो तेरी पोजीशन तो जहां से गया था घूम के वहीं पे आ गई, तो फिर इसका मतलब तूने काम नहीं किया। वो कहता नहीं सर, मैं गया था 40 मीटर ऊपर पत्थर लेके गया, वापस लेके आया हूँ। फिजिक्स कहती है ना, तो तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है, तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई होगी। इसका मतलब नेट वर्क डन जाने और आने का क्या बोला जाएगा? जीरो। क्लियर है यहां तक? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट हो और घूम के वहीं पर वापस आ जाएं, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, तो कोई वर्क डन माना नहीं जाएगा। पाथ क्या था क्या नहीं था वो तो देखती नहीं कंजर्वेटिव, बात ही खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस केस में अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ए वन पाथ से लेके गया और वापस टू से वापस ले आया, जाते हुए वन वापस आते हुए टू, तो वर्क डन जाने का और आने का टोटल सम क्या होगा? जीरो, क्योंकि गया भी हूं और आया भी हूं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डब्ल्यू वन इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू टू? तो जाने का वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो आने का वर्क डन नेगेटिव है, तो एक वर्क डन पॉजिटिव एक वर्क डन नेगेटिव होगा, तभी तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा? जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैं और प्रैक्टिकली सिखा सकता हूं, इधर समझ में आया? लो एक एग्जांपल लो इसके ऊपर, जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी। तो एग्जांपल है कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, ये लो, तो ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक है, आप इस ब्लॉक को एच हाइट ऊपर ले गए, ब्लॉक का मास एम था, तो इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स ने कितना फोर्स लगाई? एम जी। ग्रेविटी ने कितनी फोर्स लगाई? एम जी। मैंने अपना नहीं पूछा, यहां पर दो लोग काम कर सकते हैं, एक मैं, मेरे को फिजिक्स के लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और एक क्या? एक ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है? तो एक ग्रेविटी,
तो ग्रेविटी ने इसके ऊपर पूरी फोर्स लगा रखी है, कितनी mg। तो मैंने अगर इसको उठा के ऊपर लेके गया तो मैंने मैंने फोर्स कहाँ लगाई होगी, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई, ऊपर। एंगल उनके बीच में जीरो, तो मेरा वर्क डन क्या है, mg into h आंसर। पर मैंने अपना वर्क डन थोड़ा पूछा, मैंने पूछा यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी यानी कि अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, उसने कितना वर्क डन किया ये बताओ। अब ग्रेविटी अर्थ से पूछो भाई तू फोर्स कहाँ लगा रही है, वो कभी नहीं कहेगी ऊपर लगा रही हूँ, वो क्या कहेगी, मैं तो हर वक्त नीचे लगा रही हूँ, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स या ग्रेविटेशनल का पुल हमेशा कहाँ लगता है, नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो गई, वो कहती ऊपर। तो अर्थ क्या कहती है या ग्रेविटेशनल की फोर्स क्या कहती है, कि वर्क डन कितना किया ऊपर जाने में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल इनके बीच में क्या हो रहा है 180। ये वर्क डन मेरा नहीं है, ये वर्क डन ग्रेविटेशन का है, ग्रेविटी की फोर्स का है। तो वर्क डन की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, माइनस mgh। फिर मैंने पूछा एक काम कर यार, तू एक काम कर, वेट अभी भी नीचे ऐड कर रहा है, तो ये बता कि नीचे आने में ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया। तो नीचे आने में ग्रेविटी कहती है देखो तुम ब्लॉक को ऊपर ले जाओ, तुम ब्लॉक को नीचे ले आओ, मेरा वेट मेरी फोर्स तो हर वक्त कहां लगेगी, नीचे ही लगेगी, मैं डायरेक्शन चेंज ही करूंगी। तो नीचे में mg नीचे है, h भी नीचे है, तो mg into h into cos of zero, तो वर्क डन क्या लगेगा यहां पर, पॉजिटिव। अब एक बार बताओ टोटल वर्क डन कितना लगा ऊपर और नीचे आने का, तो इन्हें ऐड ना कर लें, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर, तो राउंड ट्रिप में आने और जाने का वर्क डन इसमें क्या होगा, जीरो। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव की, नॉन कंजर्वेटिव की ये प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे, ये देखो नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करता ही करता है। ये देखो ऐसे सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने इधर मूव करवाया और मान लो यहां से यहां ले गए कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस। जब आप लेके जा रहे थे तो फ्रिक्शनल कहां फोर्स एक्ट कर रही थी, पीछे। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, फ्रिक्शन ने, इस फोर्स ने नहीं, फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया जाने में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जाने में क्या है, एफ इंटू एस। एस कहां पर है, राइट। एफ कहां पर है, लेफ्ट। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180। 180 क्या होता है, माइनस। तो वर्क डन की वैल्यू क्या है, माइनस। पता ही है फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव ही तो आना है, तो जाने का वर्क डन आ गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं वापस लेके आऊंगा इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, पर जब ये ब्लॉक इधर आएगा तो फ्रिक्शन कहां करेगी, पीछे। फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज। तो एंगल अभी भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में 180 ही है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस एफ इनटू एस। क्लियर है यहां तक? तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जाने और आने का, इसे और इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू, जीरो नहीं आएगा। नॉन कंजर्वेटिव में जीरो नहीं आएगा, कंजर्वेटिव में जीरो आएगा। कंजर्वेटिव में इसलिए जीरो आएगा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। नॉन कंजर्वेटिव अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी डायरेक्शन को भी क्या कर लेती हैं, चेंज। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक। तो अब इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अब तो डायग्राम में एक मिनट में समझ में आ गया। इसका और इसका वर्क डन सेम है, इसका इसका वर्क डन में नेगेटिव का फर्क है, ये देखो यही तो लिखा हुआ पूरी एक्सप्लेनेशन में। तो दोनों का वर्क डन क्या आएगा, जीरो, और एक का वर्क डन नेगेटिव ऑफ सेकंड का वर्क डन डायग्राम टू में। और ये लिख सकते हैं कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव में क्या रहेगा, जीरो। आने और जाने का वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। कोई डाउट इसमें? तो इसकी प्रॉपर्टी है। तो नोट, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन क्लोज्ड पाथ में हमेशा आंसर क्या देगा, जीरो। या उल्टा भी ट्रू है, अगर आपने किसी फोर्स को लगा के एक पॉइंट से स्टार्ट करके वर्क डन किया, वही पॉइंट पर लेके आए बॉडी को, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर जीरो है तो यानी कि फोर्स 100% क्या कहलाएगी, कंजर्वेटिव। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग।